बेकिंग सोडा जिसे बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ये आमतौर पर हम सबके किचन में मौजूद होता है और अक्सर लोग इसको खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा हैरतअंगेज प्रोडक्ट है जिसे जिल्द के इलाज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्नी एक तकलीफदेह मसला है जो ज़्यादातर नौजवानों को मुतासिर करता है और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या तकलीफदेह महासों के लिए किचन का एक सादा इंग्रेडिएंट काम कर सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, ये हो सकता है। बेकिंग सोडा ट्रीटमेंट एक्नी से निमटने का एक आसान और मुअसर तरीके के तौर पर जाना जाता है। बेकिंग सोडा की सोजिश की खसूसियात एक्नी की जलन को ठंडा करने में मदद करती हैं और ये स्किन में मौजूद ऑयल को भी ड्राई करने में मदद करता है, जिसकी वजह से एक्नी होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेकिंग सोडा को एक्नी के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेकिंग सोडा फॉर एक्नी। बेकिंग सोडा में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं जो एक्नी को ठीक करने में मदद करती हैं। अगर आप अपनी स्किन पर बेकिंग सोडा को लगाना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत जल्द ही एक्नी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। बेकिंग सोडा से जिल्द का इजाफी तेल खुश्क हो जाएगा और आपकी स्किन साफ हो जाएगी। बेकिंग सोडा को फेस पर इस्तेमाल करने के लिए आप 2 चम्मच बेकिंग सोडा में 2 चम्मच पानी शामिल करें और इसे अच्छी तरह मिक्स करके स्मूथ पेस्ट बनाएं। फिर इस पेस्ट को एक्नी पर लगाएं और इसे तकरीबन 15 मिनट तक स्किन पर लगे रहने दें। जब ये खुश्क हो जाए तो इसे धो लें और उसके बाद कोई मॉइस्चराइजर लगा लें। आप ये हर 2 दिन बाद करें। लेमन जूस एंड बेकिंग सोडा फॉर एक्नी। लीमू का रस एक बहुत अच्छा एसिड है जो जिल्द में मौजूद इजाफी ऑयल को खुश्क करने और जिल्द को साफ करने में मदद करता है। लीमू का रस बैक्टीरिया को मारने में भी मदद करता है और इस तरह से इन्फेक्शन का जरिया भी ख़त्म हो जाता है। लीमू का रस और बेकिंग सोडा का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये दोनों एक्नी का मुकाबला करने में मदद करते हैं। आप इन दोनों अज्जा के मुस्तकिल इस्तेमाल से जिल्द को साफ और पोर्स को टाइट कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप 2 चम्मच बेकिंग सोडा में 2 चम्मच पानी और 1/4 चम्मच लीमू का रस डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इस पेस्ट को एक्नी पर लगाएं और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसे धो लें और कोई मॉइस्चराइजर लगाएं। आप ये हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल एंड बेकिंग सोडा फॉर एक्नी। नारियल के तेल में शिफा बख्श खसूसियात हैं और ये जिल्द पर मौजूद इजाफी ऑयल को दूर करने में भी मदद करती हैं। नारियल का तेल बैक्टीरिया को मारता है और एक्नी को दूर करने में मदद करता है। ये एक्नी के लिए बेकिंग सोडा का एक बहुत अच्छा पेस्ट है जो आपकी स्किन को साफ करता है और इसे स्मूथ बनाता है। इस पेस्ट को बनाने के लिए आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें और इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल और कोई भी फेस वॉश जो आप यूज़ कर रहे हों वो थोड़ी सी मिकदार में शामिल करें और इसे मिक्स कर लें। फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और कुछ मिनट्स के लिए अच्छी तरह मसाज करें। फिर उसके बाद हल्के गर्म पानी से चेहरा धो लें। आप ये हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। टूथपेस्ट एंड बेकिंग सोडा फॉर एक्नी। बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट एक्नी के मसाइल से निमटने में मदद करता है। टूथपेस्ट ब्लैक हेड को हटाता है जो कि आपके पोर्स को क्लोज करते हैं। टूथपेस्ट आपकी जिल्द को तेज़ करता है और आपकी जिल्द में फंसे हुए इजाफी ऑयल और गंदगी को दूर करता है। इसके नतीजे में आपकी जिल्द साफ हो जाती है और एक्नी की परेशानी में कमी आती है। इसके लिए आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा में 1 चम्मच टूथपेस्ट और 2 चम्मच पानी शामिल करके पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से पहले अपने पोर्स को ओपन करने के लिए चेहरे पर गर्म कपड़ा रखें। एक बार जब आप ये कर लें तो उसके बाद आप पेस्ट लगा लें और इसे रब करें। उसके बाद आप चेहरा धो लें। आप ये रोज़ाना कर सकते हैं। हनी एंड बेकिंग सोडा फॉर एक्नी। शहद एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है जो जिल्द में नमी बरकरार रखने में मदद करता है। इससे जिल्द को हाइड्रेट करने में मदद मिलती है और ये ब्लीच का भी काम करता है ताकि इसके मुस्तकिल इस्तेमाल पर एक्नी के दाग कम हो जाएं। इसके लिए आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा में 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसे मिक्स कर लें। फिर इस पेस्ट को मास्क की तरह जिल्द पर लगाएं और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद चेहरा धो लें और कोई मॉइस्चराइजर लगाएं। बेकिंग सोडा एंड मिल्क मास्क फॉर एक्नी। दूध लैक्टिक एसिड का एक बहुत बड़ा जरिया है और इससे आपके स्किन पोर्स को साफ करने और इन्हें गंदगी से पाक रखने में मदद मिलती है। ज़्यादातर आलूदगी एक्नी की परेशानियों का सबब बनती है और दूध और बेकिंग सोडा मिलकर इससे लड़ने में मदद करते हैं। बेकिंग सोडा एक्सफोलिएटिंग का काम करता है और इसी वजह से ये आपकी स्किन से ज़्यादा ऑयल को साफ करने में मदद करता है। इस पेस्ट को बनाने के लिए आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा में 1/4 कप दूध शामिल करके पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को एक्नी पर लगाएं और तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद चेहरा धो लें। आप ये हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। एक्नी के लिए बेकिंग सोडा एक बहुत ही ताकतवर और आसान इंग्रेडिएंट है जो आसानी से हम अपने किचन से हासिल कर सकते हैं।
तो एक्नी के लिए बताई गई बेकिंग सोडा रेमेडीज को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी रेमेडी सबसे अच्छी लगी। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।